Good morning everyone. Today we are going to learn engineering curves problems on hyperbola. आपको इसमें rectangular hyperbola पूछते हैं. Point P is 30 mm and 50 mm respectively from two straight lines which are at right angles to each other. Draw a rectangular hyperbola from point P. आपको दिया है point P is 30 mm and 50 mm from two straight lines which are at right angle. Draw the hyperbola passing through the point P. तो आपको इसको कैसे draw करना है मैं बताऊंगा अभी. हमें बोला है point P जो दो straight lines होती है जिसको हम ये भी बोलते हैं asymptotes. In engineering graphics when there are two straight lines that two straight lines are also called as asymptotes. तो हम जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ड्रॉ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बाय द असिम्प्टोट्स मेथड. ठीक है तो मेरी दो लाइंस होगी स्ट्रेट लाइंस जो हमें इसमें राइट एंगल पे दी हुई है और मेरा पॉइंट पी है वो मेरा पॉइंट पी 30 mm और 50 mm. तो आप डिस्टेंस ले सकते हो. अगर आपको बोलता है 30 mm फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 50 mm फ्रॉम वाई एक्सिस तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो अलग से. अगर नहीं बोला है तो 30 और 50 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं. ठीक है तो अभी मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं. मैंने मेरी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. अब आपको करना क्या है आपको यहाँ पे रखना है प्रोट्रैक्टर जिसमें एंगल्स दिए होते हैं. आपको यहाँ से 90 का लाइन ड्रॉ करना है. मैंने 90 का लाइंस ड्रॉ कर दिया है. ठीक है अब मुझे करना क्या है इस पॉइंट से आप यहाँ पे ले लो 30 mm का और यहाँ से लो ऊपर 50 mm का. ठीक है तो मैंने यहाँ 30 मार्क कर दिया है. मेरा 30 mm का गैप है और मेरा 50 mm. ठीक है आपको इस पॉइंट से वापस रखना है आपका प्रोटेक्टर. आपको 90 में लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल. तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री में. आपको इस वाले पॉइंट से भी इसको पैरेलल पकड़ लो आपका रोलर स्केल उसको ऊपर लेके जाओ. आपको इस वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. तो मैंने दोनों पॉइंट से लाइंस ड्रॉ कर दी है. ये मेरा हो गया है पॉइंट पी. यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा पॉइंट पी. ठीक है तो पॉइंट पी मुझे मिल गया है. आपको अगर डायमेंशन शो करना है तो आप शो कर सकते हो. ये मेरा है 30 डिस्टेंस और ये मेरा है 50 डिस्टेंस. ठीक है अब मुझे मेरा पॉइंट भी मिल गया है. अब हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए जो मेरा गैप है ये मेरा कितना गैप है ये मेरा गैप 50 का है ये मेरा गैप 30 का है. तो आपको इसके पार्टीशंस करना पड़ता है और आपको हाइपरबोला के लिए इक्वल पार्ट्स करना जरूरी नहीं. ठीक है अगर आप चाहो अगर आपका एक इतना डिस्टेंस है 50 का है तो आप इसके 50 बाय 10 आपके 5 पार्ट्स तो आप इस 50 के 10 mm का एक लेकर 5 पार्ट्स ले सकते हो. ठीक है कोई इशू नहीं है. आपके पास जो गैप है 50 mm का आप इसके 10 mm के हिसाब से 5 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो. ठीक है आपका ये कितना है ये 30 का गैप है. सपोज आई हैव मैंने इसमें नाम दिया ए और बी. ठीक है आपका ये कितना 30 का है. अब 30 के 10 mm के हिसाब से 3 इक्वल पार्ट्स ले सकते हो. ठीक है मगर हाइपरबोला के लिए इक्वल पार्ट्स कंपलसरी नहीं है. अब इसके पार्ट्स जैसे मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे कर दिया यहाँ पे आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो. ठीक है तो फिलहाल मैंने इसको मार्क कर दिया. मैं ए पकड़ लेता हूँ डिस्टेंस. ठीक है अगले वाले सम में मैं इक्वल पार्टीशंस दूंगा. ठीक है आपको भी समझ में आ गया मुझे करना क्या. ठीक है तो फिलहाल मैं इसमें मैंने मार्क कर दिया. मैंने छोटे से मार्क कर दिया. ठीक है यहाँ पे मार्क करता हूँ दो डिस्टेंस एक यहाँ पे एक यहाँ. ठीक है तो आपको करना क्या है जैसे मेरा इसको मैं नाम दूंगा 1 2. ठीक है इसका मैं 3 4 और 5. ठीक है मैं नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5. आपको करना क्या है ओरिजिन से दो को क्रॉस करते हुए
आपको एक स्लांट लाइन ड्रॉ करना है जो टच करेगी मेरी वर्टिकल लाइन को। आपको सेम ओ से एक स्लांट लाइन ड्रॉ करना है वन थ्रू जो टच करेगी मेरी वर्टिकल लाइन को। तो यहाँ पे टच करेगी मुश्किल दिख रहा थोड़ा मुझे, आप कोशिश करते हैं। तो मुझे एक स्लांट लाइन ड्रॉ करना, टच कर लिया ठीक है। आपको एक स्लांट लाइन ड्रॉ करना है इस पॉइंट से, सेम दो से एक स्लांट लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, क्या ठीक है। तो मैंने O से लाइन ड्रॉ कर दिया, दो को क्रॉस करते हुए वर्टिकल लाइन को टच कर दिया। अब मैं जाऊंगा O से क्रॉस करते हुए थ्री को और मैं टच करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन को, थ्री से मेरा हो गया, मेरा फोर से हो गया और ये मेरा जाएगा फाइव से, ये मेरा फाइव से भी हो गया ठीक है। आपको ये मेरा वन पॉइंट है, ये मेरा 1.2.345 ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे मैंने अभी नंबरिंग कर दिया 1 2, अब इसको कर दो 3, इसको कर दो 4, इसको कर दो 5 ठीक है। ये मेरा 1 यहां पे क्या, इसको कर दो, इसको आप नाम दे दो 1-2-3-4-5 ठीक है। तो हम करेंगे वर्टिकल पे नाम देंगे 1-2-3-4-5 जो मेरा हॉरिजॉन्टल है उसको नाम देंगे 1-2-3-4-5 ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है 1 से ऊपर और 2 से ऊपर ठीक है, और 3 से नीचे, 4 से नीचे और 5 से नीचे। आपको करना क्या है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है 1 से ऊपर, 2 से ऊपर, 3 से नीचे, 4 से नीचे और 5 से नीचे। आपको उसको क्रॉस करना है 3' से 3' को, और आपको उसको क्रॉस करना है 1' से इधर ठीक। तो पहले हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने पहले 1 से लाइन ड्रॉ कर दी है, 1-2 से लाइन ड्रॉ कर दी। आपको लाइन ड्रॉ करना लगभग इस वाले पॉइंट के आसपास ठीक है। तो मैंने 1 से लाइन ड्रॉ कर दी ऊपर वर्टिकली। अब मुझे करना क्या है, उसको मुझे 1' से लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल जो इस लाइन को क्रॉस करेगी। मुझे करना क्या है, मुझे 1' से लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल जो इस पार लाइन को क्रॉस करेगी। तो मैंने अपना रोलर स्केल ले लिया है, मैंने इसको से पैरेलल मैंने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो मेरा ए वाला पॉइंट क्रॉस हो गया है। मैं लाइन ड्रॉ करूंगा 2' से, मेरा ए वाला पॉइंट हो गया यहां पे। अब मुझे करना क्या है, 3 से नीचे लाइन ड्रॉ करूंगा वर्टिकल, 4 से नीचे और 5 से नीचे। मैं वर्टिकल लाइन से क्रॉस करूंगा 3 से हॉरिजॉन्टल, 4 से हॉरिजॉन्टल और 5 से हॉरिजॉन्टल। तो मैंने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी जो मेरी क्रॉस करेगी इस वाले पॉइंट पे। मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा जो क्रॉस करेगी इस वाले पॉइंट पे, यहां से ड्रॉ करूंगा जो क्रॉस करेगी इस वाले पॉइंट। तो मेरा मेरे पॉइंट मुझे मिल गए यहां पे ठीक है। तो मेरा पॉइंट यहां पे है, इस तरह में पॉइंट 1, ये मेरा पॉइंट यहां पे, पॉइंट 2 इस तरह में, पॉइंट 3 P1, P2, P3, P4, P5 आपको इस तरह से आगे करना ड्रॉ ठीक है। तो आपका ये हो गया है हाइपरबोला। इसको एक स्लांट लाइन ड्रॉ करके अपने नंबरिंग करता कर दो, हाइपरबोला ठीक है। ये मेरा हो गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसमें मेरा पॉइंट P था, जो मेरा पॉइंट P एक लाइन से, एक वर्टिकल एक्सिस से 30 mm पे है और एक एक्सिस से मेरा 50 mm पे। इसको आप नाम दे सकते हो O X और O Y। इस दो एक्सिस को ही बोलते हैं असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स बोलते हैं। आपको बोला आता ड्रॉ बाय असिम्प्टोट्स मेथड, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, या बोलेगा ड्रॉ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम अगला सम लेंगे जिसमें हमारा एक्सिस थोड़ा इंक्लिनेशन होगा एंगल ठीक है। थैंक यू वेरी मच।